मैं दीपक कुमार राणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, पोस्टेड इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, BNMU मधेपुरा। आज मैं सेमेस्टर 1 के छात्रों को पेपर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत एक टॉपिक जिसका नाम है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में बतलाऊंगा। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी मुद्रा की मांग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन केन्स ने किया है। केन्स ने सिद्धांत के माध्यम से बतलाया है कि लोगों द्वारा मुद्रा की मांग क्यों की जाती है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस, केन्स का मानना है कि मुद्रा में तरलता का गुण पाया जाता है, अर्थात मुद्रा के द्वारा हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग मुद्रा की मांग करते हैं। मुद्रा से यहाँ संबंध नगद मुद्रा से है, इसीलिए लोगों द्वारा नगद मुद्रा को पसंद किया जाता है। इसलिए इस थ्योरी का नाम केन्स ने तरलता अधिमान रखा है। केन्स ने मुद्रा की मांग के तीन उद्देश्य बताए हैं। पहला, लेन देन हेतु मुद्रा की मांग। दूसरा, सतर्कता हेतु मुद्रा की मांग। और तीसरा, सट्टेबाजी हेतु मुद्रा की मांग। अब हम तीनों को अलग अलग देखेंगे। लेन देन हेतु मुद्रा की मांग, हम जानते हैं कि मुद्रा का सबसे मूलभूत कार्य है विनिमय का माध्यम। हम प्रतिदिन अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को खरीदने के लिए मुझे मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। मुद्रा के ही द्वारा हम इसे खरीदते हैं, इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति द्वारा, चाहे वह उपभोक्ता हो, चाहे उत्पादक हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, रिक्शा वाला हो, सभी को अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वस्तुओं सेवाओं को खरीदने के लिए नगद मुद्रा की जरूरत होती है। नगद मुद्रा कितनी रखी जाएगी यह आय के स्तर पर निर्भर करता है। अधिक आय वाले अधिक मुद्रा की मांग करते हैं, कम आय वाले कम मुद्रा की मांग करते हैं। अगर हम इसे के इक्वेशन के रूप में लिखें तो हम लिखेंगे LT बराबर फंक्शन ऑफ KY। यहाँ पर LT डिनोट करता है लेन देन हेतु मुद्रा की मांग और KY डिनोट करता है आय का वह हिस्सा जो नगद मुद्रा के रूप में रखी जाती है। अब हम आते हैं दूसरा कार्य, दूसरा जो उद्देश्य है सतर्कता हेतु उद्देश्य। प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य में, भविष्य के लिए और भविष्य में जो अचानक कोई घटना घट जाती है उसका सामना करने के लिए कुछ नगद मुद्रा रखता है। जैसे बीमारी या कोई दुर्घटना हो जाए, किसी का आकस्मिक मृत्यु हो जाए, अचानक किसी को नौकरी से निकाल दिया जाए, उन सब परिस्थितियों का सामना करने के लिए लोग नगद मुद्रा रखे रहते हैं। केन्स के अनुसार यह भी सतर्कता हेतु मुद्रा की मांग भी लोगों के आय के स्तर पर निर्भर करता है। इस प्रकार हम इसको भी ट्रांजेक्शन हेतु मुद्रा की मांग के तरह के समीकरण के तरह ही दर्शाते हैं, अर्थात LP=FK(Y)। इस प्रकार हम देखते हैं कि लेन देन हेतु मुद्रा की मांग और सतर्कता हेतु मुद्रा की मांग दोनों आय के स्तर पर निर्भर करता है। अब अगर किसी व्यक्ति के पास इन दोनों कार्यों के अलावा अगर कोई मुद्रा बच जाती है तो वह उसका क्या करेगा, इसको केन्स ने सट्टेबाजी हेतु मुद्रा की मांग के रूप में दर्शाते हैं। सट्टेबाजी हेतु मुद्रा को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लिया जाए हमारे पास 100 रुपया है। यह वो मुद्रा है जो लेन देन और प्रीकॉशनरी के बाद बची है, तो इस पैसे का मैं क्या करूँगा, क्योंकि तत्काल मुझे कोई ऐसा काम नहीं दिख रहा है, तो मैं इसे हो सकता है बैंक में रख दूँ या हो सकता है मैं दूसरे जगह लगा दूँ। तो केन्स ने सुझाव दिया है कि लोग बॉन्ड में निवेश करते हैं। बॉन्ड वह सिक्योरिटी पेपर है जिस पर फिक्स ब्याज दर दी जाती है,
अर्थात अगर हम ये कहें कि उदाहरण के लिए यह भी मान लें कि बॉन्ड पर 5% ब्याज दर दी जाती है, मैं बॉन्ड खरीद लेता हूँ, तो एक वर्ष के बाद मुझे जो आय प्राप्त होगी वह 105 रुपये होगी, लेकिन मार्केट में जो ब्याज दर होती वह अलग होती है। तो जब मार्केट के ब्याज दर और बॉन्ड के मूल्य के बीच विपरीत संबंध होता है, जैसे जैसे ब्याज दर बढ़ती है बॉन्ड की कीमत कम होते जाती है, और जैसे जैसे बॉन्ड ब्याज दर घटती जाती है बॉन्ड की कीमत बढ़ती जाती है, इनके बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। अब जब हमने कहा कि 100 रुपये हमारे पास है, तो मैं देखूंगा कि मार्केट का रेट ब्याज दर किस तरह है, बढ़ रहा है या घट रहा है। मान लिया जाए कि ब्याज दर अभी 4% बॉन्ड में है और 4% बाजार का है, तो हमें दोनों मुझे मेरे लिए कोई नुकसानदेह नहीं है, दोनों तो बराबर है। लेकिन अगर ब्याज दर बाजार का 5% हो जाता है तो बॉन्ड का जो कीमत है वह घट जाएगा, वैल्यू गिर जाएगी। अगर वो 5, 6, 7, 8 तक जाता है, ये मैक्सिमम है, मान लें मार्केट का मैक्सिमम ब्याज दर 8%, उस समय बॉन्ड का मूल्य सबसे कम होगा, तो मैं देखूंगा कि बॉन्ड को खरीदना अभी हमारे लाभदायक होगा, क्योंकि उसकी कीमत क्या है, सबसे कम होगी, और मैं सारा पैसा बॉन्ड में लगा दूंगा। अब मान लिए धीरे धीरे ब्याज दर क्या गिरने लगती है, तो बॉन्ड का मूल्य रहेगा, अब उसको मूल्य बढ़ने लगेगा, मैं इसे बेच करके ज़्यादा पैसा कमा लूँगा। इसे ही केन्स ने सट्टेबाजी हेतु मुद्रा की मांग कहा है। लोग मार्केट में होने वाले परिवर्तनों को फायदा उठा करके पूंजी का निर्माण करते हैं, धन का संचय करते हैं। इसे केन्स ने ब्याज दर के साथ जोड़ा है, इसलिए सट्टेबाजी हेतु मुद्रा की मांग ब्याज दर का फलन होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन हेतु मुद्रा की मांग आय का फलन है, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी आय का फलन है, लेकिन सट्टेबाजी हेतु मुद्रा की जो मांग है वह ब्याज का फलन है। तो हम टोटल अगर तीनों को एक साथ देखें तो मैं कह सकता हूँ कि डिमांड फॉर मनी तीनों देशों दो चीज़ पर निर्भर करता है, आय पर और ब्याज दर पर। धन्यवाद। आगे हम दूसरे टॉपिक लेकर के बात करें।